मैं बनाने जा रही हूँ सेचुआन चिकन, जो अपने जायके और टेस्ट में बहुत यूनिक होती है और बहुत सारे लोगों को पसंद होती है। बहुत सारे रेस्टोरेंट में बहुत प्राउडली सर्व की जाती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सेचुआन चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। मैं थाई का मीट ले रही हूँ और उसको स्मॉल क्यूब्स में कटवा लिया है। ये तकरीबन 1.5 pound है, 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा। और हमें चाहिए होगा कॉर्न स्टार्च, मेरे पास यहाँ 1/2 cup है। थोड़ा सा जो है मैरिनेशन में जाएगा और सॉस में भी यूज़ करूँगी। 2 tablespoon लाइट सोया सॉस, ये भी मैं मैरिनेशन में भी यूज़ करूँगी और सॉस में भी यूज़ करूँगी। केचप 2 tablespoon, विनेगर 2 tablespoon, ये भी थोड़ा सा मेरी मैरिनेशन में जाएगा और थोड़ा सा सॉस में डलेगा। और हमें चाहिए होगी चिलीज, ड्राई रेड चिलीज हैं, उसको मैं सॉस में यूज़ करूँगी। और इन्हीं मिर्चों को मैंने थोड़ा सा बॉयल करके और उसका पेस्ट बना लिया है। तकरीबन 4 chilies का मैंने ये पेस्ट बना लिया है यहाँ पे। सराचा सॉस 1.5 tablespoon और शुगर 2 tablespoon। सॉल्ट जो है हम मैरिनेशन में भी यूज़ करेंगे और सॉस में भी करेंगे, एज योर टेस्ट। ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon, जिंजर 1/2 inch का टुकड़ा लेके मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, 3 to 4 cloves ऑफ गार्लिक उसको फाइनली चॉप कर लिया है। और हम यूज़ करेंगे लिटिल बिट रेड फूड कलर। और हमें चाहिए 4 green chilies। तो अब इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ, क्योंकि सॉल्ट हम सॉस में भी डालेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सोया सॉस मिक्स करके अब इसमें हम कॉर्न स्टार्च ऐड कर देंगे और 1 tablespoon के करीब हमने बचा लिया है। इस तरह इसको मैरिनेट करके रख लें 1/2 hour के लिए और फिर इसके बाद इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। इसको फ्राई करेंगे हम सबसे पहले। पैन को गर्म करें और उसमें ऑयल हम डालेंगे इतना कि हमें, क्योंकि ये फ्राई करना है। इसको हम फ्राई करते रहेंगे जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाएगा। चिकन को फ्राई करने में 4 to 5 minutes लगते हैं। चिकन अब ब्राउन हो चुकी है, इसको अब हम निकाल लेंगे। इस तरह इसको निकाल लें। चिकन भी इसी तरह फ्राई कर लें। अब हम बनाएंगे सॉस। 4 tablespoon ऑयल ले लें और उसे अच्छी तरह गर्म कर लें। और उसमें सबसे पहले हम डालेंगे गार्लिक, चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर, और इसको भूनेंगे, लेकिन इसको ब्राउन नहीं करना। अब इसमें हम ये ड्राई रेड चिलीज डाल देंगे और हम डाल देंगे क्रश्ड रेड चिलीज जो हमने पीस के रखी हुई है, सराचा सॉस। अब इसमें हम डाल देंगे केचप, सोया सॉस, विनेगर, हम डाल देंगे शुगर भी, ब्लैक पेपर पाउडर, लिटिल बिट सॉल्ट। हम चेक करेंगे, अगर हमें मजीद सॉल्ट की ज़रूरत है तो हम इसमें और सॉल्ट डाल देंगे। और हम इसमें डालेंगे कलर, तकरीबन 1 pinch, उसको अच्छी तरह पानी में घोल के डाल दें। और हम इसमें डाल देंगे स्टार्च, जो कि हमने पानी में 1 tablespoon घोल के इसमें आप डाल दें। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस वक्त आप इसको टेस्ट करके देख लें सॉस में कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। इसमें हम ग्रीन चिलीज चॉप भी डाल देंगे। अब इसमें ये फ्राइड चिकन भी ऐड कर देंगे। इसको 1 minute के लिए पकाएं और इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अभी तैयार है, इसको मैं अब डिश आउट करूंगी और सर्व करूंगी।
रेस्टोरेंट स्टाइल की सेचुआन चिकन हमने अभी बनाई, जो बहुत मज़े की बनी है और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिज़वाना'स कुकिंग। बाय फॉर नाउ।